हेलो दोस्तों, मैं हूँ जादूगर श्याम सुंदर और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ दूध का अनोखा जादू। जी हाँ, ये देखिए मेरे पास एक खाली गिलास है, सॉलिड खाली गिलास, और ये देखिए इस गिलास में मैं पानी डालता हूँ। लेकिन ये पानी का दूध नहीं बनाऊंगा, दूध में पानी डालते हैं लोग, और दूध से पानी से दूध नहीं बनाऊंगा। पानी वापस निकाल लेता हूँ और फेंक देता हूँ। अब इस गिलास में ना तो पानी है ना दूध है, कुछ भी नहीं है, एक खाली गिलास है और सॉलिड है। अब इस गिलास में दूध लाने वाला हूं मैं, लेकिन दूध कैसे लाऊंगा? ये देखिए, ये जो गिलास है इस डब्बे में रखने जा रहा हूं। एक डब्बा है, इसमें एक गिलास रखूंगा। ये देखिए, अब उस डब्बे में गिलास रख दिया है जो कि बिल्कुल खाली था और सॉलिड था। अब इस गिलास में दूध कैसे आता है? आपने भैंस देखी होंगी, भैंस का नाम सुना होगा। जी हाँ, भैंस का नाम होता है दिल्ली भैंस, काठेवाड़ी भैंस, जाफराबादी भैंस। लेकिन ये तीनों में से मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास है डब्बा भैंस। जी हाँ, ये है डब्बा भैंस। दूसरे भैंसों को कुछ खिलाना पिलाना पड़ता है, चारा खिलाना पड़ता है, घास खिलाना पड़ती है, और ना जाने दूध देने के लिए, ज्यादा दूध देने के लिए लोग क्या क्या खिलाते हैं। तो इसे कुछ भी खिलाना नहीं पड़ता है डब्बा भैंस को, तो इसको बोलना पड़ता है एक मंत्र। जी हाँ, मंत्र बोलते ही ये डब्बा भैंस दूध कैसे देती है, देखिए। 1, 2 एंड 3, आकस फोकस माकस। बस अब आप बोलोगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो डब्बे में दूध रखा है और गिलास में रखने के बाद में गिलास में दूध भर जाएगा। जी हाँ, लेकिन इस भैंस की मैं आपको पूरी पहचान करा देता हूं। ये देखिए, ये है हमारी डब्बा भैंस, और इसमें दूध भर के कैसे रख सकते हैं देखिए। इसमें दूध भर के नहीं रख सकते, और ये है दूध का गिलास। अभी देखिए, ये डब्बा भैंस ने दूध दिया है, सॉलिड गिलास है, स्टील का सॉलिड गिलास। जी हाँ, और ये देखिए इस डब्बा भैंस ने दिया हुआ दूध। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही मैंने इस गिलास में दूध निकाला तो हमारी चुलबुली रिया दौड़ते हुए आई और बोली, मुझे दूध पीना है, मुझे दूध पीना है, मुझे दूध दो। ओहो, तो अभी ये रैया के लिए दूध निकालते हैं इसमें। ये देखिए,
और रेया के लिए दूध निकालने के बाद भी इस गिलास में दूध बचा है। जी हाँ, लेकिन इस दूध को पीने का एक अलग तरीका है। देखिए, 1, 2 एंड 3, ये है स्ट्रॉ। ये स्ट्रॉ इतनी में रेया बोलने लगी, मुझे और दूध चाहिए। ओहो, तो रेया के लिए इसमें से और दूध निकाल लेते हैं। फिर भी इसमें दूध बचा है और थोड़ा सा पी लेते हैं। आहा, अब तो पेट भर गया। तो इस प्रकार से ये हमारे डब्बा भैंस दूध कैसे देती है आपने देखा। आप भी ऐसी एक डब्बा भैंस पालिए और जब चाहे दूध निकालिए। जादू पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल में अब तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।